नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं अलवर की कृषि उपज मंडी में, जहां हम मंडी के व्यापारी विजय कुमार जी के पास में पहुंचे हैं। आज उनसे हम जानते हैं कि मंडी के अंदर गेहूं की कितनी अराइवल है और मंडी के अंदर गेहूं के क्या भाव हैं। सबसे पहले तो विजय कुमार जी, आपका मार्केट टाइम टीवी में स्वागत है। इस समय आज मंडी के अंदर कितनी गेहूं की आवक है और क्या भाव है? मंडी के अंदर आज गेहूं की करीब 3,000 कट्टे की आवक है और भाव चल रहा है 2310 रुपए से 2400 रुपए, और विगत 10 दिनों में करीब इसमें धीरे धीरे करके 25 से 30 रुपए क्विंटल की नरमी आई है, जो कि स्टॉक का थोड़ा सा स्टॉक फुल होने की वजह से मंदी आई है। भविष्य में वापस बाजार तेज होने की उम्मीद है। तो अभी स्टॉक किस तरह से किया जा रहा है? स्टॉक अपनी व्यापारी अपनी कैपेसिटी अनुसार कर रहा है, इसकी उसकी जितनी क्षमता है। गवर्नमेंट का भी उसको भविष्य में लगता है कि कोई स्टॉक सीमा वगैरह नहीं आ जाए, उस को देखते हुए वो स्टॉक कर रहा है। अभी एमएसपी की अगर आप बात करें तो क्या एमएसपी है? एमएसपी है 2400 रुपये, 2275 प्लस 125। तो आज मंडी के भाव और एमएसपी को अगर अपन लेके बात करें तो सेम बराबर है क्या? नहीं, मार्केट नीचे है 100, मतलब 100 रुपये नीचे है मार्केट। अच्छा, इसी वजह से मंडी में गेहूँ की अराइवल कम है। तो मंडी के अंदर जैसे गेहूँ की जो आवक है वो कहाँ से होती है, कहाँ से किसान लेकर आते हैं? ये अपने लोकल किसान लेकर आते हैं, जैसे अपने ये लगा लो इधर तू आते तूलड़ा साइड है, बड़ोदा में से उर्ली तरफ पकड़ तिराया मूनपुर, इधर अपने के नाम से दाढ़ीकार है, इधर है मूनपुर बामोली है, ये चारों तरफ से अपने गेहूँ के अराइवल होती है। अभी कितनी कैसी क्वालिटी आ रही है? क्वालिटी गेहूँ की इस बार अच्छी है, पकाव अच्छा है। तो अगर अभी अपन बात की जाए तो पिछले साल की तुलना में और अब की तुलना में गेहूँ के भाव में किस तरह का देखा जा रहा है? मतलब अभी पिछले साल से तो गेहूँ का बाजार ठीक है, अब भविष्य में तो देखो जैसा किसान बताता है कि पानी की वजह से पैदावार कम हुई है थोड़ी सी, लेकिन अभी गवर्नमेंट काफी माल ले रही है, गवर्नमेंट में अधिकतर बहुत सारा माल खुल रहा है, मार्केट में कम आ रहा है। कम आने का कारण क्या मानते हैं? एमएसपी ज्यादा है, 2400 रुपए की एमएसपी है, मार्केट भाव 2300 रुपए, 100 रुपए नीचे मिल रहा है गवर्नमेंट किसान। मिलर के यहाँ अगर जा रहा है क्या तो वो भी क्या स्टॉक कर रहे हैं क्या? नहीं, स्टॉक तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार करेगा, जैसे उसको लगता है भाई 10 से 15 दिन का कंजप्शन का स्टॉक तो करना पड़ता है, कभी छुट्टियां हो जाती है, स्ट्राइक हो जाती है, कोई बात होती है तो इतना मिल तो लेके स्टॉक चलती है। और ग्रेडिंग की अगर बात की जाए, ग्रेडिंग वाले गेहूँ की, तो ग्रेडिंग वाला भी कुछ गेहूँ तो भी अपने यहाँ पे कोटा लाइन 12 लाइन से आता है, एमपी लाइन का जो आता है वो अपने यहाँ पे काफी मात्रा में खाने वाले लेते हैं उस माल को, और लोकल मात्रा में जो माल आ रहा है वो भी ग्रेडिंग होके बिक रहा है। जो वर्तमान में ग्रेडिंग के जो गेहूँ है उनके क्या भाव है? जो अपने एमपी लाइन आ रहा है, कोटा 12 लाइन आ रहा है, उनके भाव 3000 प्लस के हैं, 3000 से 3150 तक के भाव है, और अपने लोकल गेहूँ की जो ग्रेडिंग हो रही है उसके भाव 2600-2700। तो अभी अगर आप बात करें तो ये कहाँ का कौन कौन सी मिलों में जा रहा है? ये सारी मिलों में जा रहा है, बाइए में है, 3-4 फैक्ट्रियां हैं, और एक अपने यहाँ कालीमुरी पे है, इन चारों फैक्ट्रियों में माल जा रहा है। तो अभी जैसे किसान अगर यहाँ लेकर आता है और सरकारी खरीद पे भी जाता है तो किसान को किस तरह से, मतलब वो देखा जा रहा है कि भाई सरकारी खरीद पे तो क्या उनको पैसे भी क्या है कि बहुत लेट मिलते हैं व्यापारी के यहाँ, तो ज्यादा झुकाव जो किसान का है वो किस तरफ है? ज्यादा झुकाव तो मंडी की तरफ रहता है, लेकिन किसान जब मार्केट में वेरिएशन भी होता है ना तो वो ये चीज भी देखता है। अब किसान को अगर जरूरत तुरंत है तो वो मंडी में माल लेके आएगा, और उसको ये लग रहा है तो ये आ जाएगा आराम से तो गवर्नमेंट में लेके जाएगा, और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो तो माल मंडी में ही आएगा, और जो रजिस्ट्रेशन हो गया है वो बड़े किसान है अपने गवर्नमेंट में भी देंगे। आगे आपको किस तरह की उम्मीद लगती है कि गेहूं के भाव में बढ़ोतरी होगी या इसी तरह भाव बढ़े रहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ लगता है धीरे 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 मार्केट सुधरेगा, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद तो नहीं है। अच्छा, मार्केट थोड़ा प्लस रहेगा लेकिन बहुत ज्यादा ये नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा होगा। अच्छा, गवर्नमेंट की पाबंदियां खास। किस तरह की पाबंदी की बात की जाए? भाई गवर्नमेंट की भविष्य में स्टॉक लिमिट लगा दे, कुछ भी कर दे गवर्नमेंट। तो अभी जैसे चुनाव भी हुए लोकसभा के, अब सरकार भी नई बनने जा रही है, तो अब क्या उम्मीद आप करते हैं कि भाई किस तरह सरकार को ध्यान देना चाहिए क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, अभी ध्यान देने वाली कोई बात भी नहीं है, कोई ज्यादा तेज भी नहीं है, मार्केट मंदा भी नहीं है, बाजार बिल्कुल सेम सिम है,
इसमें किसान को भी अपनी उपज का पूरा माल मिल रहा है, ऐसा नहीं है कम मिल रहा है, और खाने वाले को भी ऐसा नहीं है जो ज्यादा तेज भाव पड़ रहा है। तो अभी तो मार्केट में ऐसा उथल पुथल वाली बात है। जी हमारे साथ में मौजूद थे विजय कुमार जी, उन्होंने हमको बताया कि गेहूं की जो आवक है मंडी के अंदर ठीक ठाक है, लेकिन भाव में कुछ जो है वो कमी देखी जा रही है, लेकिन आने वाले समय में भाव में जो है वो तेजी बनने की उम्मीद नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल जो यहाँ का जो गेहूं है वो मंडियों में भी आ रहा है, सरकारी खरीद पे भी जा रहा है, लेकिन जो मंडी में गेहूं आ रहा है वो यहाँ के सीधा मिलर के पास भी जा रहा है और वहां भी स्टॉक किया।